अभी हम लोग निकल रहे हैं गुमला से नीलेश के साथ। ये है राजा रजवाड़ टाइम का घर, बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार, प्रणाम। ये सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं से आप सभी का मैं अपने नए ब्लॉग के साथ स्वागत करता हूँ। आज मुझे टाइम ही नहीं मिला, सुबह मैं हड़बड़ी में था, गाड़ी वाड़ी धोया, फिर भूल गया कि मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ। तो फिर बीच रास्ता में ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, याद आ गया तो मैं यहीं बीच रास्ते में ही रुक गया और सोचा यहीं से स्टार्ट कर लूँ। और मैं जा रहा हूँ भाभी को लाने नवा मुंडी, तो रास्ते में जो भी पड़ेगा, जो भी दिखेगा, मैं आप लोग को दिखाऊँगा किस रास्ते से मैं जाऊँगा, किधर से जाऊँगा, सारा चीज़ मैं बताऊँगा आप लोग को। तो आप लोग मेरे वीडियो में हमेशा की तरह लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आप लोग को मैं मॉर्निंग का व्यू कुछ दिखा देता हूँ। मैं गुमला पहुँच गया हूँ, ये नीलेश का घर है, यहाँ से नीलेश को रिसीव करना है, वो मेरे साथ जा रहा है नवा मुंडी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गुमला से नीलेश के साथ, नीलेश का घर आए थे के लिए। हम लोग थोड़ा यहाँ घुस गए थे पालकोट दीदी का घर। नाम बताओ तो, क्या नाम है? मैं अनन्या मैया हूँ, कहो कहवे दाओ नी लीची उन्हें इन्हें देख, इन्हें देख लीची खाबू, तुम दिखबे वीडियो में कहवे तब नी इन्हें। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी, और ये है राजा रजवाड़ टाइम का घर, बहुत पुराना घर है। इधर गांव है, पूरा छोटा ही गांव इधर से लग रहा है, लेकिन उधर बस्ती होगा नहीं पता। अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए, आगे का सफर के लिए से बागमुंडा जाते हैं। नीलेश गाड़ी चला रहा है। हम लोग जो नया स्टेशन इधर झारखंड का पकरा ना, पकरा स्टेशन होके जाएंगे। हम बोकलावा जानते थे, आज पकरा स्टेशन में देख लेते हैं। यही वो रेलवे ट्रैक है पकरा वाला, क्रॉस करके हम लोग जाएंगे। अभी किस्मत अच्छा है कि अभी ट्रेन भी आ रही है, तो देखिए बहुत ही रफ्तार में जा रही है। रुक बे, तो चलाए जा रहे हैं पीछे से, फिर करेंगे रेसिंग करते हैं। ये रहा सुरंग, गरीब रथ है क्या? रेसिंग करते हैं ट्रेन पर। रनिया कितना दूर से थे? रनिया से आपको सरिता से 18 किलोमीटर। नहीं, यहाँ से कितना दूर है रनिया? वही समझिए 23 किलोमीटर। 23, अच्छा ठीक है, फिर वहाँ से बना। Thank you.
ये वाला रास्ता हमको, ये वाला बस्ती ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का घर का पेंट, मतलब यहाँ घर का लिपाई पोता यहाँ का बहुत सुंदर लगता है। ये बस्ती का देखिए आप लोग भी कितना अच्छा दीवार में बना हुआ है पेंट करके, बहुत सुंदर लग रहा है। सब घर ऐसे ही है इस रास्ते पर। यहाँ से माइंस एरिया शुरू हो जाता है, जब ट्रक निकल रहा है ये माइंस लेके निकल रहा है, घर से आयरन माइंस निकाला जाता है पूरा एरिया से, आयरन पूरा एरिया में है। इसी से पता चलता है कि झारखंड कितना धनी राज्य है, धनी राज्य होते हुए भी करीब ये सारा ट्रक सब अंदर माइंस निकालने के लिए घूमने के लिए लाइन में खड़ा है, और भी बहुत सारा आगे खड़ा है। और ये वाला हाथी चौक है, हाथी चौक बोलते हैं, यहाँ हाथी बना हुआ है वाला। इधर भी पूरा ट्रक लाइन में है, बहुत दूर तक बहुत ज़्यादा ट्रक इधर खड़ा रहता है, और भी खड़ा रहता है शाम के 4 बजे। सब दोस्तों हम लोग नवा मंडी पहुंच चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, इधर थोड़ा सा घुस के है गगरी, यहाँ रेस्ट करने के बाद में कहीं और जाना है बोली थी भाभी, तो फिर वहाँ के लिए हम लोग निकलेंगे कुछ देर रेस्ट करके। यहाँ अभी स्टेडियम खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद में हम लोग निकलेंगे जगन्नाथपुर के लिए। और उस बाबू का घर, सब साइड ऐसे क्वार्टर बना हुआ है सबके, को यहाँ टाटा कंपनी जितना को यहाँ काम करता है सभी के लिए ऐसे क्वार्टर है, और सबके को दिया गया है फैमिली के हिसाब से, बड़ा फैमिली है तो बड़ा क्वार्टर है, छोटा फैमिली है तो छोटा रेंट जैसा क्वार्टर दिया गया। दोस्तों हम लोग रेस्ट कर लिए 1 घंटा, और अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केटिंग के लिए जगन्नाथपुर। तो आप लोग का जगन्नाथपुर मार्केट दिखाते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ मिलता है, तभी हम लोग निकलेंगे। अब वो लोग नहीं आ रहे, हम लोग आ रहे हैं पीछे से, हम लोग गाड़ी निकाल लेते हैं। जगन्नाथपुर बाजार, क्या चीज हंडी हंडी
कुकिंग कंप्लीट हो गया है। हम लोग बस ये बर्तन लेना था जो कि ले लिए हैं। हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर लकड़ी बिक रहा है दोस्तों खेजा के भाव में। कुछ कहा नहीं ले कैसे खेजा दे रहा है कुछ कहा कुछ नहीं यार। ये जगन्नाथपुर का मार्केट, मार्केट उतना खास नहीं लगा, ज़्यादा नहीं घूमे बस। हम लोग आए अभी एंजल के स्कूल, एंजलो स्कूल, एंजल 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 तेरा स्कूल आए हैं, बताओ किधर है तेरा क्लास। बहुत तेजाल है सब चिड़िया। एंजल चारा देती है कि नहीं? हेलो देखो एंजल का स्कूल में बेल, बेल का पेड़, इधर स्कूल का प्लेग्राउंड। अरुष गिरेगा देखना, उधर खेलने जा रहे हैं लोग दोनों। एंजल ताला लगा के रखिए, चलो नहीं है लोग, नहीं है लोग, खुला है। ये वाला क्वार्टर है, बच्चा और छोटा बच्चा। टूट जा कार बड़ा का आरुष। हाँ हाँ हुर हुर करो बाबू, वो तो गाड़ी चलाना जानता है। मस्त चला रहा है। लोग वही घर लौट गए हैं जगन्नाथपुर से, अभी थोड़ा सा घूमने जाएंगे हम लोग नौ मंडी नीलेश के साथ। माइंस खराब सूर लगे रहे, इधर पूरा टाटा स्टील माइंस का नहीं बिजने देता हम तो छुप छुप के बनाते हैं। इधर पूरा माइंस है, आयरन माइन, यहाँ से आयरन निकाला जाता है। इधर पूरा काम चल रहा है, इधर नौ मंडी माइंस लिखा हुआ है, लोगों दिख रहा होगा तो देख लीजिए। इधर वर्कर लोग का जो गाड़ी उड़ी है इसी में आता है सब कोई। जूम कर कर ये बड़ा वाला डंपर, पार्क आए हैं लेकिन बहुत शाम हो गया हम लोग को, वहाँ जगन्नाथपुर से आने में हम लोग को लेट हो गया। इधर पानी उनी जाता है उधर भरता है, तो अभी तो खाली ही। टाटा नहीं आएगा अभी, टाटा कंपनी पार्क बैठाया है इधर। दिन में आते तो थोड़ा दिन रहता तो आप लोग को दिखा सकते थे, लेकिन शाम हो गया है तो उतना अच्छा नहीं आएगा। अरे बाबू पूरा साइकिल चला रहा है, चलो बाबू चला उधर, उधर चला उधर से, उधर से चलो स्पीड में, स्पीड में
अरे एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा चलो इधर इधर आ, इधर आ, आवा आ इधर आ। अरे अरे डिस ब्रेक मारता है। मिलेगा नहीं कहीं पर भी, मुंगला रांची जैसे कहीं नहीं मिलेगा। बोलता है राजस्थान शायद मुंगला में खाया। यहाँ नवा मुंडी में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ हम लोग घूम सकते हैं, लेकिन शाम हो गया बहुत तो कुछ दिखा नहीं पाए। दो तीन पार्क है यहाँ, तो शाम में एक पार्क गए हुए थे, थोड़ा सा उसका वीडियो बनाए हैं आप लोगों को दिखाएंगे। और भी अच्छा अच्छा जगह बहुत है यहाँ नवा मुंडी में, लेकिन शाम हो गया उधर जगन्नाथपुर से आने के लिए, इसीलिए लेट हो गए तो कुछ वैसे दिखा नहीं पाए। फिर कभी हम आएंगे नवा मुंडी तो ज़रूर दिखाएंगे। आज हम जितना कुछ भी बनाए हैं उतने ही को आज तो जो भी है मेरे पास जितना क्लिक किए हैं सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी घर आ गए हैं और आज मतलब शाम ही हो गया तो हम घूम नहीं पाए कहीं भी, नवा मंडी दिखा नहीं पाए, तो वहीं हम लोग का शॉपिंग साइड ही उधर लेट हो गया। आज का ब्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं, और आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सभी को धन्यवाद, जोहार, बाय दोस्तों।